आज हम बनाएंगे एक यूनिक रेसिपी, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध रेसिपी पूरन पूरी, गुड़ी पड़वा के पर्व पर। और ये हिंदुओं का नया साल है, आज हमारे यहाँ चैत्र वैसाखी पड़वा है। तो पूरन पूरी बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसे बनेगी, वो सब हम आपको बताएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और ये देखिए, हमने गेहूं के आटे की पूरन पूरी बनाई है। ये देखिए कितनी मस्त फीलिंग है ना इसकी। ये तो चलिए हम बनाते हैं इस तरीके की पूरन पूरी हमारी किचन की। और 1 कप दाल चने की, जिसको हमने 2 घंटे पहले ही गला के रख दी थी, और इसका पानी हमने निकाल दिया पूरा। तो हम कुकर में ऐड करेंगे, इसमें हम पानी डालेंगे। जैसे कि हमारी 1 कप दाल है, तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसको हम गैस के ऊपर पकाएंगे 1 सीटी। अगर आप दाल ना भिगोए ना, तो अगसू की दाल जैसे कि साफ करके पानी से धो के, और उसमें ना एक जैसे 1 कप दाल है तो 2 से 2.5 कप पानी रख सकते हैं, तो भी दाल अच्छी पकेगी। और कुकर में हमारी सीटी आ चुकी है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, गैस को कम कर देंगे, आंच को कम कम आंच पर हम 2 मिनट इसको और पकाएंगे। और हमारी दाल पक रही ना, तब तक हम डो बना के रख लेंगे, आटा मस के रख लेंगे गूंद के। तो ये हमारा 1 टिफिन आटा है। आप अपने घर में जितने सदस्य हो उस हिसाब से आटा लगा सकते हैं, दाल कम ज़्यादा कर सकते हैं और आटा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल, नमक हम 1 चुटकी नमक डालिया है इसमें हमने। और इसमें हम घी ऐड करेंगे, ये हमारा गाय का घी है शुद्ध, तो हम इसमें 2 से 3 टीस्पून घी ऐड करेंगे और फिर इसको हम गूंदेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा गेहूं का आटा है, आप चाहे तो मैदा ले सकते हैं, लेकिन हम क्या गांव देहात के हैं, मैदा ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे से ही बनती है पूरन पूरी, तो हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे इसको। तो ये हमारा आटा मिक्स हो चुका है और हम इसमें मिल्क से गूंथेंगे। आप इसमें गुनगुना पानी से गूंथ सकते हैं आटे को, लेकिन हमने गुनगुना मिल्क लिया है दूध, तो इससे हम गूंथेंगे आटे को, गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के, दूध डाल के। इस तरीके से हमारा दूध है ना थोड़ा गुनगुना है मिल्क, तो थोड़ा पानी से अगर गूंदे तो उसको भी गुनगुना करके ही गूंदे। नरम गूंथना आटा है, जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, पूरन पूरी बनेगी ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। और आटा हमारा गूंदा चुका है और इसको हम रखेंगे 10 से 15 मिनट रेस्ट पे, और इसको हम रेस्ट पे छोड़ेंगे, 20 मिनट ढक के रेस्ट पे छोड़ेंगे इस तरीके से। ये हमारी दाल भी पक चुकी है, जो खोल के देखते हैं एक बार। हम हमेशा दाल को भिगो के बनाए ना, तो 2 सीटी लीजिए, और अगर सूखी दाल बनाए तो 2 से 3 सीटी या 4 भी ले सकते हैं। और इसको हम देखते हैं, तो दाल हमारी अच्छे से पक चुकी है, तो दाल को देखते हैं। ये देखिए है ना, ऐसी फरकी फरकी दाल रहना चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं रखना चाहिए, और ज़्यादा पानी भी हमें कम भी नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं रखना चाहिए। और इसको हम ठंडी होने देते हैं, और अगर ज़्यादा रखा भी जाए तो एक्स्ट्रा पानी छलनी से निकाल दीजिए, पर हमारी परफेक्ट है, हम नहीं निकालेंगे इसको। इसी इसमें ना घी ऐड करेंगे, और नए तरीके से बना रहे हैं हम, हमारे यहाँ हमेशा जैसे बनती है वैसे। और इसको हम घी के साथ जो दाल निकाली ना हमने, 1/2 कप घी है, घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमारा घी 1/2 कप है, तो इसको गर्म होने देते हैं। हमारी दाल इसमें घी में ऐड करेंगे हम, सारी दाल इसमें हम पकाएंगे। इतनी पकाना हमें कि हमारा घी और ये पानी है ना इसको अब्जॉर्ब कर ले। मध्यम आंच में पकाना है, और इसको क्या करेंगे, जैसे दाने हैं ना हमारी दाल के, तो उसको हम मिक्स करेंगे, एकदम बारीक सा पेस्ट बनाएंगे इसका हम। अगर आप ऐसे ही ना बना पाए तो मिक्सर में इसको बारीक पीस लीजिए और फिर इस तरीके से पका ली। तो अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, चीनी, आप चाहे तो शक्कर गुड़ दोनों में ही मिक्स करके बना सकते हैं, या गुड़ गुड़ से भी बना सकते हैं, या चीनी चीनी से बना, हम चीनी चीनी से बना रहे हैं, तो इसको भी मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे इसे कि जो पानी छोड़ेगी ना चीनी वो अच्छे से फरकी ना हो जाए। तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे चलाते हुए,
और मध्यम गैस में पकाना हमें। अगर आप नॉन स्टिक बर्तनों में पेन वगैरह कढ़ाई वगैरह में अगर दाल पका रहे ना तो घी मत डालिए, वैसे ही पका लीजिए। और अगर घी का आपको फ्लेवर अच्छा ही लगता है तो इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसको पका लेंगे अच्छे से। इलायची पाउडर डाल, इलायची पाउडर से खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसको मिक्स कर लेंगे। हमने छिलके सहित ही बनाया था तो इसलिए हम इसका पेस्ट डालेंगे। दाने दाने नहीं, इलायची हमारी भुनी हुई थी और छिलके सहित ही का पेस्ट आया, फिर ऐड करा इसमें। इसको पका लेंगे अब सब अच्छे से। तब तक हमारी दाल फरकी ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना, इसको हम चलाते हुए पकाना है, चलाते हुए पकाना है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये चने की दाल चिक जाएगी इसलिए हमें चलाते हुए पकाना है। ये 2 से 3 मिनट ले लेती है पकने में आराम से। दाल हमारी पक चुकी है दोस्तों, तो इसको हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने देते हैं। देखिए तो दाल भी हमारी ठंडी हो चुकी है। आटे को देखते हैं हम इसके, और आटे को देखते हैं, आटा की थिकनेस देख लीजिए। ये हमारा सॉफ्ट आटा है। घी का हाथ लगा के हम इसे इस तरीके से एक बार और मस लेंगे। और इसको हमने सेट कर लिया है घी के, छोटी सी लोई तोड़ेंगे हम नींबू के साइज की और इसके अच्छे से गोल लोई बना लेंगे। जैसे हम रोटी की बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बनाना हमें। अब बड़ी बनाए तो बड़ी लोई ले लीजिए। कैसे हम तो इस पर बनाएंगे तख्ते पे, तो इस पर थोड़ा सा हम घी लेके और चिकना कर लेंगे इसको उस पर। आप लकड़ी के उस पर बनाए ना तख्ती पे, तो उस पर भी घी लगा लीजिए। घी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो हमारी पूरन पूरी का आटा है ना वो नीचे चिपक जाएगा, इसलिए इस पर घी फेर लेते हैं, चिकना कर लेते हैं। साथ में हमारी लोई भी बन के तैयार है। चकले पे रखेंगे और 3 से 4 इंच के साइज में हम इसे बेलेंगे। घी की वजह से हमारे जो नीचे आटा रहता है ना वो चिपकता नहीं है। हम दाल वाली फिलिंग रखेंगे। तो ये दाल की हमारी फिलिंग, इसको हम सेंटर में रखेंगे और अच्छे से फोल्ड करेंगे आराम से उठा के। इसे हमें कैसे हम इसे करके और इसका ऊपर का थोड़ा सा आटा निकाल के और इसे गोल कर लेंगे और इसको गोल कर लेंगे हम इस तरीके से। अब इसे हम बेलेंगे और इसे हमें घी लेके नीचे डबल से घी ले लीजिए और इसे हाथ से इस तरीके से फैला लीजिए ताकि जो हमने चने की दाल की फिलिंग रखी ना इसके अंदर वो अच्छे से सब दूर फैल जाए और अच्छी बने हमारी एक जैसी पूरन पूरी। तो हमने इसको फैला लिया। अब हम इसको पलट के बेलेंगे पलट के। तो ये देखिए ना दोनों साइड से हमारी, और इसको हम ज़्यादा बड़ा नहीं करना। आप चाहे तो इसे पतला भी बना सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे ना ज़्यादा मोटा बनाएंगे। इसे सरकाते हुए हमें जितना आपको पतला मोटा बेलना है उस हिसाब से बेल लीजिए। तो ये हमारी बेल चुकी है। अब हमें क्या है, इसे आराम से उठाना है इस तरीके से उठा के। तवा पहले से गर्म है, हमने इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसको इस तरीके से डालेंगे, फिर इसे चिट्टी लगने तक एक साइड सिकने देते हैं, फिर पलटेंगे। और ये हमारी सिक रही, तब तक हम दूसरी पूरन पूरी बनाते हैं। और ये हमने इसके लिए वैसे ही सेम लोई ली है और घी लगाएंगे थोड़ा सा हम और फिर बेलेंगे। तो इसको हम बेलेंगे, सेम वैसे ही बनाना हमें। और इसको इस तरीके से बेल चुकी है। अब हम इसमें की फिलिंग रखेंगे जो हमारा मसाला बना हुआ है ना उसका। ये हमने चने की दाल की फिलिंग रख दी है, फिर इसको उठा के हम पूरी को और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अस्परेज से उठा लिए हमने आटे की पूरी को और इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से आराम आराम से। और लोई जैसा बनाना हमें इसकी, लोई हमारी बन चुकी है। तो हम इसको पलटते हैं, तो इसको आराम से पलटना है इस तरीके से। उठाया हमने और इस तरीके से, तो ये पलटा गई हमारी, ये देखिए अच्छे से की ना। तो इसको ऊपर से घी लगा लेंगे इसमें, तो इस तरीके से हमने इसमें घी लगा लिया है। अब इसको नीचे सिकने देते हैं, फिर एक बार हम दोनों साइड घी की सेकेंगे। आराम आराम से बेलना है, इसमें वजन नहीं रखना बिल्कुल भी। आराम आराम से, अगर वजन रखेंगे ना तो हमारी फिलिंग निकल जाएगी, हमारी पूड़िया पूरी पूरन पूरी फट जाएगी, इसलिए हमें आराम आराम से इसे बेलना है। तो हम इसको बनाते हैं, आराम आराम से बिल्कुल बेलना है। और इसको भी हम पलट लेंगे क्योंकि दोनों साइड सिक चुकी है, आराम से पलटना है।
इस तरीके से उठाएंगे आराम से, और ये देखिए सिकी ना दोनों साइड हमारी, और ऐसी इसमें भी हम घी लगा लेंगे और दोनों साइड घी से सेकेंगे। इसे भी हम निकाल लेते हैं, दोनों साइड से हमने इसे पका लिया उलटते पलटते, सिर्फ दो से तीन मिनट लगेंगे इसको पकने में। और ये देखिए बनी ना पूरन पूरी एकदम मस्त, ना कहीं से फटी ना कहीं से फिलिंग निकली, बस इसे बेलते समय ध्यान दे रहे। और इसको हम इस तरीके से बेलेंगे, अगर ये उठाना से कोना टूट जाए तो इसे हमें चकले को घुमाते घुमाते बेलना है, आराम आराम से, याद रहे आराम आराम से बेलिए, फीलिंग है जो फट जाएगी। और ये हमारी बेल चुकी है, इसको हम आराम से उठाएंगे इस तरीके से, और आराम से उठा के इस तरीके से हमें आराम से उठाना है और इस तरीके से सेकेंगे, सेम वैसे सेकना है। तो फ्रेंड्स सारी हम इसी तरीके से सेक लेंगे, पूरन पूरी की फीलिंग हमारी फूली फूली बनी सारी पूरन पूरी, इसको सेक लिया है, इसको निकाल लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स हमने सारी पूरन पूरी सेक ली है, और ये आज हमारे यहाँ क्या है कि गुड़ी पड़वा है, इसलिए हमने ये बनाई, हमारे यहाँ हमेशा गुड़ी पड़वा पे बनती है पूरन पूरी, और ये महाराष्ट्र की फेवरेट डिश है। तो ये इतनी सॉफ्ट बनी है, देखिए गेहूँ के आटे की है फिर भी ये आसानी से फोल्ड हो जा रही है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है। और हमारे ये चार जने के लिए हमने बनाई थी, तो हम 8 से 10 सीख गई है, बाकी के 2-4 खा लिए बच्चे ने गरम गरम। तो ये हमारी हो गई पूरन पूरी कम्प्लीट, इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, नींबू के अचार के साथ, या थोड़ा सा घी अगर कटोरी में लेके और उसको डिप करके भी खा सकते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।